इसराइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 9वें दिन भी युद्ध जारी है। इसराइल फिलिस्तीन के बीच बमों और मिसाइलों की बौछारें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। अब इसराइल रक्षा बलों ने गाजा पर जमीनी हमले के लिए अपनी कमर कस ली है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को तेज करते हुए इसराइल ने गाजा सीमा के पास सेना और टैंक तैनात कर दिए हैं। इससे पहले गाजा शहर के लोगों ने अपना सामान पैक किया और दक्षिण की ओर चले गए। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब शुरू हुआ जब इसराइल की सेना ने सभी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर दक्षिण में स्थानांतरित करने के लिए कहा। इसके अलावा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सीमा पर फ्रंट लाइन का दौरा किया। उन्होंने फ्रंट लाइन में तैनात इजरायली सैनिकों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। बता दें कि ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब आतंकवादी समूह हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। अब तक घातक युद्ध में निर्दोष नागरिकों सहित 1300 से अधिक इजरायली मारे गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।